तो हाँ जी, जानम जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी जो है दिन का टाइम है, 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं कहीं यहाँ नीचे है ना। हमारे क्या होता है कि वो महिला है, वो गिर गई थी, तो हमारे सुख सांद बोलते हैं जिसको। ये हमारा कल्चर वैसे, मतलब हर जगह वैसे पूछने बैठने जाते हैं कि मतलब क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत बधाने। उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है, तो तब हम लोग जा रहे हैं। तो चलो चलिए, आपको दिखाते हैं आगे, प्यारे प्यारे नज़ारे भी दिखाते हैं। रास्ते में पति पत्नी जा रहे हैं दोनों, और नीचे से जाएगी मेरी देवरानी। उसको मैंने फ़ोन कर दिया, अब वो नीचे रहती है। उसको मैंने बोला कि फटाफट से आ जा। तो गेट मैंने खोल दिया, च्युइंगम जो आ रही हूँ मैं, च्युइंगम। तो मैंने रेखा को बोला कि तू तैयार हो जा, और हनी पापा जा रहे हैं। तान बड़े अचरिए तान बड़े हो, मिंजो ता बल कांगड़ दी तूनी गमी हो। कांगड़े दिया उचियां रिड़िया। और मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र पास बना के आ गया। आज जा बैठ जाते, बेच दे देना, बेच दे देना गेट। तो यहाँ पे आए थे हम, जो लता है ना उसकी जिठानी है, उसकी जो जिठानी है ना उसकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, वो गिर गई थी, तो उसके उसको उसके पास आए थे हम। तो चलिए ये छुरी बुन लेनी है, लके होने का ना फिर नहीं होंगे। चलो तो आ जाओ बात से। इतनी प्यारी प्यारी बेले है ना, देखो धीरे धीरे, और देखो मैं क्या खा रही हूँ। बैर ये देखो, इसकी सब्जी बनती है ये ना। कैक्टस अब कब बनाऊंगी मैं, देखती हूँ। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ले जाने को, लता भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो उसको ही बोलती है। देखो और ये जो है ना, ये दीवार देके रखी है इन्होंने, छोटे छोटे पत्थरों की। इनकी बड़ी अच्छी मक्खी हो रखी है, और वो ऊपर हमारी घास नहीं है, वो ऊपर यहाँ पे जहाँ चील जैसे का वो दिख रहा है। तो ये देखिए कैक्टस इन्होंने तो बना ली है सब्जी मेरे ख्याल में। और ये करुंदू है, करुंदू बोलते हैं इनको। ये देखो छोटे छोटे करुंदू लगे हैं, किस किस के होते हैं ये करुंदू, बड़े टेस्टी होते हैं, मीठे मीठे जब होते हैं ना। अभी तो नहीं पके। नीचे कद्दू की बेल है, नीचे कद्दू की बेल है, वो परे हल्दी है। और आ जाइए, तो ये है लता का घर। और एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखो ये रोआंगण है, ये देखो ये रोआंगी जो हम दाल बनाते ना, ये वो है रोआंगी। ये देखो छोटी छोटी लगी है, एक छोटा सा बूटा, एक ही दो बेले होनी है इसमें, इनमें कितनी सारी लगी है। और ये राजमा है इस साइड ना, ये राजमा है, ये देखो ये राजमा की बेल है। ये तो हमारे भी हो रखे हैं, ये देखो कितने सारे हो रखे हैं इसमें। और ये लगी है हवा ठंडी ठंडी, हाँ हाँ हाँ। ये बलोदर है, ये पेड़ हमारे नहीं होते, इसको बलोदर बोलते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसको बलोदर बोलते हैं वैसे। ये देखो, और बस अब हम यहाँ से आ गए, ये लता का घर परे रह गया। और इनके कितना अच्छा घास है भैया, हमारे नहीं होता ऐसा घास, इनके बहुत अच्छा घास है।
ये देखो और सड़क आई है इधर तक। तो चलो अभी हम लोग जो है चलते हैं। को मैं और मेरी दरानी गए थे हम सुख शांत को दोनों, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि अभी गाय दूल्हा का टाइम है। हाँ करो कर, जय माता दी। जय माता दी। ये भी जय माता दी बोलती है, इससे आगे नहीं बोलती कुछ। और कई लोगों को बड़ी वो हो सकती है जेलसी। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी टू से। आज के लोग ना परिवार में, मतलब परिवार के लोग अगर साथ में रहना मिलके तो उनको साथ में भी नहीं देख सकते। ये चीज मैंने बहुत नोटिस करी है। अगर वो आपस में बैठते उठते हैं तो दूसरे बंदे को ही हो जाता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं आपस में, होता है ना ऐसा। बड़ी चीजें होती है, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करती हूँ, ये समझ लो कि मैं उन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहती। तो जैसे हम इकट्ठी जाती आती हैं तो इससे भी कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, भाई ये क्यों जाती है, भाई हम दरान जिठानी है तो हम जाएंगी जाएंगी, है ना। हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा, जब नहीं होंगे साथ में, नहीं टाइम लगे, अकेले भी निकलना पड़ता है। क्यों ऐसा भी नहीं है कि हम साथ में जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जलन होती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो अभी गाड़ी के पास हम पहुंचने वाले हैं, गाड़ी लेके आई थी मैं, ये भी आ गई है नीचे अपने घर में आ गई है अब। और अभी मैं आपको मिलूंगी घर जाके, ठीक है। जय माता दी, कर जय माता दी। तो चलो जी अभी जो है मैं जो गाड़ी मोड़ देती हूँ, आज ये होती थी मेरे साथ तो वीडियो बनाने का वाला हो जाता था, कोई ना कोई, अब कोई नहीं बनाता। यहाँ पे बस आती है, यहाँ तक जो शिमला की बस आती है, शिमला से जो बस आती है ना वो यहाँ तक आती है। तो चलो अभी हम लोग जो है चल रहे हैं, आगे थोड़ा सा और शूट करेंगे, आगे बड़ा प्यारा सा व्यू है थोड़ा सा। तो ये देखो यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं, और अच्छा चल भाई चल, और आगे ना बड़ा प्यारा सा व्यू है यहाँ पे आगे थोड़ा सा। अभी ये पकड़ेगी, देखो हनी ने क्या देखुड़े, मैं बोले मैं क्या हम गए कुकड़े जो पंखा है नी मुर्गे रे। तो चलो जी अभी हम लोग निकलते हैं घर को, और मैं आपको गाना सुनाती हूँ चलते जब भी तू भी गा। सोनी सोनी शिमले री सड़क जिंदे काली कगरी ले आया, काली कगरी ले आया हो, काली कगरी ले आया, उड़ी जावो कगा मेरा ले जा सनेहा, ले जा सनेहा। अगर तो भूलिए प्यागा उठी ने मैं दुदा जो भी रिड़े का जिंदे सासू दिया मैं सुन दिया चिड़का जिंदे काली कगरी लियाया, काली कगरी लियाया हो, काली कगरी लियाया। जय माता दी, कैसा लगा आप लोगों को हमारा भजन नहीं गाना कमेंट करके जरूर बताना। चलो बाय। तो फिर हम घर पहुंच गए थे, और आज मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट शेयर कर रही हूँ जिसमें जो जम्मू फोक साइडी करके उन्होंने लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मधु दी मैं आपका रेगुलर व्यूवर हूँ, आपकी हमारी गाय को बच्चा हुआ था 11 अगस्त को, और उसके 3-4 दिन के बाद से वह एक थन में से लाल रंग का दूध दे रही है, थन में कोई सूजन नहीं है और ना ही कोई दर्द है, सिर्फ दूध लाल रंग का आता है, 1 महीने से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
मधुदी आप पशुपालन में बहुत एक्सपर्ट हो, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपको ये कमेंट लिख रहा हूँ। अगर आप मेरा ये कमेंट पढ़ रहे हैं तो कोई देसी इलाज बताइए जिससे ठीक हो जाए ये प्रॉब्लम गाय की, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा हमेशा। तो देखिए अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम पता है कि क्या होता है, क्योंकि ये मेरे साथ में कभी हुआ नहीं है, कभी भी नहीं मेरी गायों को ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। हाँ एक आधी बार लाल रंग की धार आ गई है लेकिन फिर वो ठीक हो जाता। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई देख रहा है तो इनका हल ज़रूर बताएं, और जम्मू फोक्स भाई जो है वो अगर ज़रूर पढ़ना कमेंट आज की वीडियो के, कोई ना कोई बंदा जो है ज़रूर हमें इसका उपाय बताएगा देसी इलाज, क्योंकि डॉक्टर से तो वो इलाज करवा ही रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ इसका ज़रूर मुझे रिप्लाई करें और ज़रूर जो है इसका ये करें समाधान निकालें। किसी ना किसी को तो पता ही होगा जो पशुपालन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मेरे साथ कभी ये प्रॉब्लम हुई नहीं तो फिर मैं बताती और ये समस्या क्यों आ रही है और ये नहीं आनी चाहिए। ऊपर जो जो भौंक रहा है प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, मैं काफ़ी ऊँचे बोल रही हूँ। तो मुझे भी बड़ा मतलब ये आया था, हाँ कल के एक दिन पहले आया था एक कमेंट, फिर मैंने सोचा था कि इसको मैं वीडियो में शेयर करूँगी, हो सकता है किसी और को पता हो इसके बारे में तो वो ज़रूर हमें बताएगा। यही था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी जो आपसे पूछा वो भी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक बहुत कम आते हैं और पता नहीं नोटिफिकेशन जाता है या नहीं जाता है, सर्च करके देख लिया करो शाम को 8 बजे, 7 से 8 बजे के बीच में, कई बार 8:30 भी हो जाते हैं, मैं वीडियो डाल देती हूँ ऑलराउंडर पे, अच्छा नहीं ऑलराउंडर पे नहीं, मधु ठाकुर चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर ऑलराउंडर पे तो अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप न्यू होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से भी देख रहे होंगे और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हमारी काउंटिंग बढ़ जाती है, चैनल का रैंक भी अच्छा रहता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शेयर करने के लिए मैं बोलूँगी नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप आगे भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सपोर्ट आपका मिल रहा है, छोटा सा ये वीडियो था और कैसा लगा बताना ज़रूर, ठीक है। बाकी खुश रहिए हमेशा, आपके बच्चे कामयाब हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें, माता रानी से यही विनती रहती है हमेशा। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, जय माता दी, राम राम।